आज हम आपको फेशियल के बारे में बताएंगे। फेशियल किट में जो क्रीमें होती हैं कि उनको कैसे अप्लाई करना है, आपको हथेली का प्रयोग करना है कि आपको टिप्स का प्रयोग करना है, तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। मैंने एक एक क्रीम सारे बच्चों को दे दिया है, ठीक है। आपको मैंने कौन सी क्रीम दी है? स्क्रब दी है। थोड़ा सा तेज बोलना आपको। आपको मैंने कौन सी क्रीम दी? मसाज क्रीम। आपको मैंने एलोवेरा जेल दिया। आपको मैंने क्या दिया है? पैक, ठीक है। मैंने यहाँ पे चारों लोग को पैक, किसी को पैक दे दिया, किसी को स्क्रब दे दिया, किसी को मसाज दे दिया, ठीक है। इससे ये रहता है कि किसी को कोई तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आपको स्क्रब करना है। ये हमारा स्क्रब, ठीक, बाकी लोग ध्यान दे रहे हैं। ये स्क्रब है, ये कम से कम हमारा जो स्क्रब होता है इसमें हल्के छोटे छोटे दाने होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग जब घर पे करें तो इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ये, देखो ये स्क्रब है, स्क्रब में दाने हैं। इसको जब फेस पे हम ज़्यादा तेज रगड़ देंगे तो इसके जो दाने हैं ना वो हमारे स्किन पे स्क्रच छोड़ देंगे, ठीक है। तो स्क्रब को हमको जो बहुत हल्के हाथों से करना है और आपको टिप्स की सहायता से करना है, आपको हथेली की सहायता से नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे ऐसे स्क्रब करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे बहुत हल्का हाथ चलाना। ओके, आप जितना हल्का हाथ चलाओगे उतने अच्छी तरीके से आपका फेस की जो टैनिंग है वो रिमूव हो। ओके, इसको करते हैं 4 से 5 मिनट तक। अब ये हमारी मसाज क्रीम है, ठीक। ये देखिए, ये मसाज क्रीम है। मसाज क्रीम जो होती है हमारी बहुत चिकनी होती है। ये देखो, इसमें दाने वगैरह नहीं होता है, इसमें दाने हैं। देखो चिकनी है कि क्या है? चिकनी है ना, ये हमारी चिकनी है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर देती है, ठीक। जब हम फेस पे किसी की स्क्रब कर लेते हैं टैनिंग रिमूव हो जाती है, और स्क्रब करने के बाद में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने के लिए हम यूज करते हैं मसाज क्रीम, ठीक। मसाज क्रीम 10 से 15 मिनट तक की जाती है और बहुत हल्के हाथों से और बहुत स्लोली स्लोली से, ठीक। ज़्यादा तेज आप करेंगे तो ग्लो भी नहीं आएगी और स्किन और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी। ओके, ठीक। तो बहुत हल्के मसाज को कैसे करना है? और ये हमारा जेल है। जेल हमारा जेल का प्रयोग ये होता है कि हमारे फेस पे काफ़ी ओपन पोर्स होते हैं, जैसे इसका काम हो गया गंदगी टैनिंग रिमूव कर देना, इसका काम हो गया मॉइस्चराइजर का, ठीक। और जो जेल का काम होता है, किसी के फेस पे ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स में जो ऑयल भरा रहता है, ठीक, उसको लॉक करने का काम जेल करता है। इससे आपके शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, ठीक, और आपके ओपन पोर्स को लॉक कर देगा। और जो हमारा फेस पैक है ये जो है, इसको भी हम 10 से 15 मिनट तक करते हैं, बहुत हल्के हाथों से, आराम आराम, जल्दी नहीं, कभी भी नहीं। ये चीज़ आपका ये प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो स्किन आपकी हीटिंग होने लगेगी, मतलब गर्म हो जाएगी, तो आपकी स्किन पे दाने निकलेंगे। ओके, और ये हमारा पैक है। पैक तो सबको पता होगा, ठीक। पैक का काम क्या होता है? हम फेस पे पैक किस लिए लगाते हैं, किसी को पता है? पैक तो सब लोग लगाते होंगे, ये पता है, फेशियल से करने के बाद भी लास्ट। नहीं नहीं, पैक क्यों लगाया जाता है ये बताओ। हम टैनिंग जो हमारी टैनिंग को बचाती है, टैनिंग का काम स्क्रब का है। हमारे स्किन को ये कहते नहीं है, टाइट बनाते हैं, जो झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ जाती हैं उसको दूर करते हैं, ठीक। हमारी स्किन को थोड़ा सा टाइटनिंग करते हैं, मतलब स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, ठीक, हमारे फेस को। जैसे हमने बहुत ज़्यादा मसाज किया, बहुत ज़्यादा स्किन को रगड़ा, ठीक, रगड़ने के बाद में फिर हमारी स्किन को उसी पोजीशन में टक करना, मतलब उसी पोजीशन में लॉक करना, वो काम हमारा फेस पैक करता है, ठीक। फेस पैक से ग्लो तो आता ही आता है, ठीक, बाकी हमारी स्किन को ये टाइट करता है। ओके, फेस पैक का काम ये है। अब सबको पता चल गया, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो एक बार हम पूछते हैं, तो तुम लोग बताओ इसको कितनी देर तक करते हैं, इसका नाम क्या है, इसको कितनी देर तक करते हैं? तेज बोलना। एलोवेरा स्क्रब है, इसको 4 से 5 मिनट तक करते हैं, बिल्कुल लाइट हाथों से, हल्के हाथों से इसको और ये होता है। ये मसाज क्रीम में इसको 10 से 15 मिनट तक करते हैं, बहुत हल्का। हाँ, आप हथेली का प्रयोग करेंगे कि टिप्स का प्रयोग करेंगे? अच्छा, टिप्स का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हथेली का प्रयोग करेंगे तो उसकी स्किन में हीट लगेगी, उसकी स्किन हीट होने लगेगी तो दाने निकल आएंगे। और ये एलोवेरा जेल, इसको कितनी देर तक करते हैं? 10 से 15 मिनट तक।
और ये क्या है? ये पैक है। पैक इसके फायदे क्या है पैक के? इसकी मतलब झुर्रिया वगैरह इससे नहीं, मतलब स्किन में टाइप करती है और झुर्रिया वगैरह होती है वो, और फेस पे शाइनिंग और चमक आती है। ठीक है चलो खड़े हो गए। ठीक, ये हमारी मसाज क्रीम है, ये हम तुमको देंगे इससे। ये कौन सी क्रीम है? कौन सी क्रीम है? कौन सी क्रीम है? ये स्क्रब है। नहीं मैं क्रीम है। कौन सी क्रीम है? फेस के लिए। फेस के लिए कौन सी क्रीम? ना मतलब नाम अरे माते मसाज क्रीम है। हाँ मसाज क्रीम मांग कर लीजिए। ठीक, ये मसाज क्रीम है, आप इसको 10 से 15 मिनट तक करना। ठीक, और इसको जब हम लेते हैं तो एक पहले एक बाउल में निकालते हैं, अगर बाउल नहीं है ठीक तो आप अपनी टिप्स का प्रयोग करेंगे, पूरे हथेली पे प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब इनके फेस पे डिप डिप करके लगा दो। हाँ डिप डिप करके लगाओ। अभी रंग दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ इसको डिप डिप करके लगाओ पूरे फेस पे। बस अभी इतने रुक जाओ, ऐसे ही रुकते रुकते। आप भी अपनी टिप्स पे लेना, पूरे हाथ पे क्रीम का अप्लाई नहीं किया जाता। ओके पूरे हाथ पे अपने मत फैलाना। ओके अब इनके फेस पे लगाओ, जैसे वो लगा रही है वैसे ही लगाओ। सब लोग बराबर हाथ चलाना।